ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि गुल्ली बुली के यहाँ पिछले 4 दिनों से लाइट कटा हुआ है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और तुम तो जानते ही हो मुझे बिना पंखे की नींद नहीं आती। सोन बोलता है, ये देखो पेपर में क्या लिखा हुआ है, अभी 10 दिनों तक लाइन नहीं आएगी। बुल्ली बोलता है, ये क्या बोल रहे हो सोन, अगर ऐसा हुआ तो मैं गर्मी के कारण मर जाऊंगा। गुल्ली बोलता है, शांत हो जाओ बुल्ली, मेरे पास एक आइडिया है। गुल्ली अपना लैपटॉप खोलता है। गुल्ली बोलता है, तुम लैपटॉप पे मुझे क्या दिखाने वाले हो, अगर तुम सोच रहे हो कि अगर तुम सोच रहे हो या अगर तुम लैपटॉप में मुझे गाना बजाकर सुनाओगे तो इससे मुझे नींद नहीं आने वाली, मुझे चाहिए पंखा। गुल्ली बोलता है, अपना मुंह बंद करो बुल्ली और ये देखो, ये कश्मीर है और यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। सोन और बुल्ली लैपटॉप में बर्फ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बुल्ली बोलता है, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो तुम नहीं सोच रहे हो गुल्ली। गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, हम लोग कश्मीर चलते हैं घूमने के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। सोन बोलता है, वाह गुल्ली बुल्ली क्या तुमने आइडिया सोचा है, अगर हम लोग अभी कश्मीर के लिए निकलते हैं तो हम लोग सुबह तक पहुँच जाएंगे। बुल्ली बोलता है, तो जल्दी से तैयारी शुरू करो क्योंकि मैं इस गर्मी में नहीं रहने वाला। गुल्ली बोलता, तो ठीक है हम लोग इस बार की गर्मी की छुट्टी कश्मीर में ही मनाएंगे। और फिर ये सारे लोग कश्मीर जाने की तैयारी कर लेते हैं। बुल्ली बोलता, सोन तुमने इतने सारे बैग क्यों लिए हुए हैं, कहीं तुम्हारा इरादा कश्मीर से बर्फ लाने का तो नहीं। सोन बोलता है, नहीं बुल्ली कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है और अगर हम लोग इसी तरह वहाँ चले गए तो हम लोग की कुल्फी जम जाएगी, इसीलिए मैंने ढेर सारे गर्म कपड़े रख लिए हैं। गुल्ली बोलता है, तुम लोग जल्दी करो नहीं तो हम लोग वहाँ सुबह तक नहीं पहुँच पाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन अपनी जीप लेकर कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। 4-5 घंटे जीप चलाने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं और इतनी देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी वहीं पर बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुमने गाड़ी को क्यों बंद कर दिया। गुल्ली बोलता है, इतनी देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो चुका है, इस गाड़ी को ठंडा होने के लिए हमें 3-4 घंटे छोड़ना होगा। सोन बोलता है, तो इतनी देर हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली बोलता है, ये देखो सामने ही एक होटल है, हम लोग आज रात इसी होटल में रुक जाते हैं। बुल्ली बोलता है, बात तो तुम सही बोल रहे हो गुल्ली, ऐसे भी हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं और काफी रात भी हो रही है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आज रात हम लोग इसी होटल में रुक जाएं। गुल्ली बुल्ली और सोन गाड़ी से उतरकर उस होटल की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे से एक गाड़ी गुजरता है, वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन ने इस तरह के आदमी को पहली बार देखा है क्योंकि इन सारे लोगों के चेहरे कैमरे के जैसे हैं और इन लोगों के हाथ में हथियार भी है। सोन बोलता है, कहीं ये सारे लोग चोर डाकू तो नहीं है। बुल्ली बोलता है, हमें जल्दी से जल्दी इस होटल के अंदर घुसना होगा वरना अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो ये लोग हमें मार भी सकते हैं। ये तीनों दौड़कर उस होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद तो ये तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि होटल अंदर से काफी ज्यादा डरावना है। सोन बोलता है, ये होटल बाहर से तो काफी ज्यादा सुंदर है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा भयानक है। बुल्ली बोलता है, हमें लगता है कि इस होटल से निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुल्ली बोलता है, अगर हम लोग इस होटल से बाहर निकल गए तो हम लोग को वो कैमरे जैसे दिखने वाले लोग हमें मार देंगे और गाड़ी भी हमारा खराब पड़ा हुआ है। बुल्ली बोलता है, तो हम लोग क्या करें गुल्ली। गुल्ली बोलता है, हमें कैसे भी कर आज रात इस होटल में गुजारनी होगी। सोन बोलता है, रुको मैं अभी किसी को अंदर से बुलाता हूँ। और फिर सोन जोर से चिल्लाकर आवाज लगाता है, अरे भगवान से डरो, जिन्ने आदमी को यहाँ बंद कर दिया। तभी अंदर से एक आदमी निकलता है। ये आदमी भी काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि इसके टकले पर एक भी बाल नहीं है और इसका शरीर पूरा सफेद है, जैसे लग रहा हो कि ये अभी अभी कब्र से उठकर आया हो। गुल्ली बुली और सोन उस आदमी को देखने के बाद तो उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है। सोन डरते डरते बोलता है, हमें आज रात भर यहाँ पर रुकने के लिए एक रूम चाहिए, रूम तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन तुम लोग उस रूम से बाहर मत निकलना। गुल्ली बोलता है, क्यों, हम लोग क्यों रूम से नहीं निकल सकते।
वो आदमी बोलता है, तुम लोग मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अगर तुम लोग अपने कमरे से बाहर निकलते हो तो अगर तुम लोग के साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेवार तुम लोग खुद होगी। गुल्ली बुली और सोन उस आदमी की बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। बुल्ली बोलता है, गुल्ली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली बोलता है, बुल्ली हमें यहाँ पर रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, बस आज रात की ही तो बात है। और फिर गुल्ली उस आदमी से बोलता है, हमें हमारे कमरे तक ले चलो। और फिर वो आदमी गुल्ली बुली और सोन को कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। सोन कमरे को देखकर बोलता है, ये कैसा कमरा है, इसमें तो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, मुझे तो इस कमरे में आज रात भर नींद ही नहीं आने वाली। गुल्ली बोलता है, सोन अपना मुंह बंद करो, हमें बहुत मुश्किल से ये कमरा मिला है। और फिर वो आदमी बोलता है, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग किसी भी कीमत पर इस कमरे से आज रात बाहर मत निकलना, और ये बात मैं तुम लोग के भले के लिए ही कह रहा हूँ। बुल्ली बोलता, अब यहाँ से निकलो, अब हम लोग यहाँ पर आराम करने दो। और फिर वो आदमी हंसते हंसते कमरे के बाहर चला जाता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इस होटल में राज दबा हुआ है, क्योंकि हम लोग ने इस होटल के बाहर बहुत सारे अजीब लोगों को देखा है, और ये आदमी भी देखने में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और उसकी बातें तो इससे भी ज्यादा डरावनी है। गुल्ली बोलता है, अजीब तो मुझे भी लग रहा है, आखिरकार हमें उसने ऐसा क्यों बोला। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली हम लोग कहीं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए। गुल्ली बोलता है, अब जो होगा देखा जाएगा, बस हमें किसी तरह आज रात यहाँ बितानी होगी, अब चलो सोते हैं, हमें जल्दी सुबह उठकर यहाँ से निकलना होगा। और फिर ये तीनों सो जाते हैं, लेकिन बुल्ली को तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। तभी बुल्ली को कमरे के बाहर कुछ अजीब आवाजें आती है। बुल्ली बोलता, ये किसकी गाने की आवाज है। बुल्ली उड़ जाता है और गुल्ली और सोन को देखने लगता है, लेकिन बुल्ली और सोन तो घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। बुल्ली बोलता है, अगर मैंने गुल्ली और सोन को उठा दिया तो ये दोनों मुझे बहुत मारेंगे, इसीलिए मुझे अकेले ही बाहर जाकर देखना होगा। बुल्ली बोलता है, लेकिन उस आदमी ने तो मना किया था बाहर जाने से। तभी एक बार फिर से कमरे के बाहर से आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन इतना बेसुरा गाना गा रहा है, आज तो उसकी खैर नहीं। और फिर इतना बोलकर बुल्ली कमरे के बाहर चला जाता है। बुल्ली इधर उधर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी बुल्ली को टॉयलेट के अंदर से एक बार फिर से गाने की आवाज आती है। बुल्ली बोलता, लगता है कि कोई टॉयलेट के अंदर गया हुआ है। बुल्ली अपने कमरे में जा ही रहा होता है, तभी उस टॉयलेट का दरवाजा कोई ठोकता है। बुल्ली बोलता है, अब तो मुझे इस टॉयलेट में जाकर पता लगाना ही होगा। बुल्ली बोलता है, अभी मैं इस टॉयलेट के अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिरकार मुझे कौन डरा रहा है। बुल्ली उस टॉयलेट के अंदर चला जाता है। बुल्ली देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर गाना कौन गा रहा था। लगता है कि मेरे कान बज रहे हैं, मुझे शायद कान में तेल डालना पड़ेगा। और फिर बुल्ली वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी गुल्ली बुल्ली की चिल्लाने की आवाज सुनकर गुल्ली और सोन उठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये चीखने की आवाज तो बुल्ली की है, और आखिरकार बुल्ली कहाँ है। सोन बोलता है, कहीं बुल्ली इस कमरे से बाहर तो नहीं चला गया, और उस आदमी ने भी हमें मना किया था इस कमरे से बाहर निकलने के लिए। गुल्ली बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, बुल्ली जरूर इस कमरे से बाहर चला गया होगा। सोन बोलता है, तब हम लोग क्या करें गुल्ली। गुल्ली बोलता है, अगर हम लोग को बुल्ली को बचाना है तो हमें भी इस कमरे से बाहर जाना होगा। सोन बोलता है, अगर हम लोग इस कमरे से बाहर चले गए तो हम लोग के ऊपर भी कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। गुल्ली बोलता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए सोन, हमें अपनी बुल्ली को बचाना ही होगा। सोन बोलता है, तो हम लोग को ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जल्दी चलो चलो। गुल्ली और सोन कमरे के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये दोनों इधर उधर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सोन बोलता है, आखिरकार बुल्ली की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी, और यहाँ पर तो इतने सारे कमरे भी हैं, आखिरकार किस कमरे में बुल्ली होगा। गुल्ली बोलता है, चलो हम लोग एक एक करके सारे कमरे का दरवाजा खोल खोल कर देखते हैं। गुल्ली और सोन एक कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाते हैं। सोन बोलता है, मुझे इस कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है, जरूर बुल्ली इसी कमरे के अंदर होगा।
गुल्ली बोलता है, अगर इस कमरे के अंदर कोई दानव रहा तो हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे। सोन बोलता है, अगर इसके अंदर कोई दानव निकला तो मैं गुल्ली बोलता है, बस करो सोन, अपना गुस्सा शांत रखो, आगे ये गुस्सा काम देने वाला है, पहले हमें इस कमरे का दरवाजा खोल कर अंदर देखना होगा। सोन बोलता है, तो ठीक है गुल्ली, दरवाजा खोल दो। और फिर गुल्ली धीरे से दरवाजा खोलता है। अरे ये क्या, ये तो इस होटल का मालिक है। मैंने तुम लोगों को मना किया था इस कमरे से बाहर नहीं निकलने के लिए। गुल्ली बोलता है, हमारा हेल्प कर दो, मेरा दोस्त बुल्ली अकेले इस कमरे से बाहर निकल गया है और पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो और कहीं नहीं बल्कि मौत के मुंह में चला गया है। सोन बोलता है, तुम हम लोग के साथ मजाक मत करो, और तुम अपने हाथ में इतना बड़ा हथियार क्यों रखे हुए हो। मुझे तो लगता है कि बुल्ली को तुमने ही कब्जे में करके रखा हुआ है, अगर बुल्ली को कुछ हुआ तो तुम अपना हाल समझ लेना। गुल्ली बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, जरूर इसी ने ही बुल्ली को कब्जे में करके रखा हुआ है, और इसके हाथ में हथियार भी है, ये जरूर बुल्ली को मारने जा रहा है। सोन बोलता है, गुल्ली हम लोग यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हैं, हम लोग को इस कमरे के अंदर जाकर देखना होगा, जरूर बुल्ली इसी कमरे के अंदर है। एक बार बोला ना यहाँ से चले जा। गुल्ली और सोन जैसे ही उस आदमी का ये हाल देखते हैं, वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और भाग कर इस होटल के बाहर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है, सोन जल्दी से उस झाड़ी में जाकर छिप जाते हैं हम लोग, और फिर ये दोनों झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता है, ये क्या था सोन, उस आदमी ने तो खुद ही अपना गला काट लिया है। सोन बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, ये होटल कोई आम होटल नहीं है, इस होटल में जरूर कोई ना कोई तो राज दबा हुआ है। गुल्ली बोलता है, हम लोग को बाबा को बुलाना ही होगा सोन, क्योंकि हमें बुल्ली की जान बचानी है और बाबा के बिना हम लोग बुल्ली को नहीं बचा पाएंगे। सोन बोलता है, मैं तो अभी भी बोलता हूँ गुल्ली, हमें इस होटल के अंदर जाकर देखना होगा, क्योंकि यहाँ बाबा को आने में अगर लेट हो गई तो बुल्ली हमारे बीच नहीं रह पाएगा। गुल्ली बोलता है, लेकिन तुमने तो देखा ना सोन, अंदर क्या क्या हुआ। सोन बोलता है, मुझे तो लगता है कि वो आदमी पागल था और पागलों जैसी बातें भी कर रहा था, और अब तो वो आदमी भी मर चुका है, जरूर बुल्ली उसी कमरे के अंदर होगा। गुल्ली बोलता है, तो ठीक है सोन, हम लोग अभी इस होटल के अंदर जाकर बुल्ली को बाहर लेकर आते हैं। और फिर ये दोनों उस होटल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर एक बार फिर से गाड़ी की आवाज आने लगती है, गुल्ली और सोन एक बार फिर से झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं और छिप कर सारा नजारा देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो वही अजीब से दिखने वाले लोग हैं जिनके चेहरे कैमरे जैसे हैं। वो लोग अपनी गाड़ी को होटल के बाहर आकर रोक देते हैं। आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, कहीं यही लोग तो बुल्ली को पकड़ कर तो नहीं रखे हुए हैं। सोन बोलता है, लगता है कि वो लोग ने हमें देख लिया है, इसीलिए उसने गाड़ी को यहाँ पर रोका है। गुल्ली बोलता है, सोन अपना मुंह बंद करो और शांति से यहाँ पर का सारा नजारा देखो। ये सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। सोन बोलता है, गुल्ली ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है, मुझे कैसे पता चलेगा सोन ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। सोन बोलता है, गुल्ली अभी भी हमारे पास वक्त है, हम लोग यहाँ से भाग कर बाबा को ले आते हैं। गुल्ली बोलता है, सोन कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, उनके पास हथियार है, और अगर वो लोगों ने हमें भागते हुए देख लिया तो वो लोग हमें पीछे से गोली मार देंगे, इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों उन लोगों का जाने का इंतजार करते हैं। और इधर तो ये तीनों डांस करने लगे हैं। सोन बोलता है, ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं गुल्ली। गुल्ली बोलता है, अपना मुंह बंद करो सोन और डांस का आनंद लो। ये लोग डांस करने के बाद गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सोन बोलता है, लगता है कि ये लोग पागल थे, इसीलिए पागलों के जैसा डांस कर रहे थे। गुल्ली बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, अब जल्दी चलो बाबा को यहाँ पर लेकर आते हैं। ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है, सोन वो देखो बुल्ली। सोन बोलता है, बुल्ली वहाँ पर आखिरकार क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके बगल में होटल का मालिक भी है जिसका सर कटा हुआ है, और वो टॉयलेट जैसा दिखने वाला इंसान कौन है।
गुल्ली बोलता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है सोन। सोन बोलता है ये सब छोड़ो, देखो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सभी तो जंगलों के अंदर जा रहे हैं, हमें इनका पीछा करना चाहिए। गुल्ली बोलता है सोन हमें पहले बाबा को बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इन सभी का पीछा करेंगे और ये लोग ने हमें देख लिया तो फिर ये सभी भी हमारा हाल बुल्ली के जैसा कर देंगे। सोन बोलता है अगर हम लोग बाबा को बुलाने जाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, ये लोग बुल्ली को मार देंगे, इसीलिए मैं तो बोलता हूँ हमें इन लोगों का पीछा करना चाहिए। गुल्ली बोलता है तू हम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, देखो वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और फिर गुल्ली और सोन उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता है सोन तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना, क्योंकि अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर वो लोग हमें यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। सोन बोलता गुल्ली जल्दी छिपो, देखो वो लोग वहीं पर रुक चुके हैं। ये लोग रुक कर इधर उधर देखने लगते हैं। और फिर आगे बढ़ जाते हैं और फिर गुल्ली और सोन भी इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो एक पुराने बंगले में जा रहे हैं। गुल्ली और सोन झाड़ियों में छिप कर इन लोगों को देखते हैं। गुल्ली बोलता है ये लोग तो इस बंगले के अंदर चले गए हैं, हमें भी इस बंगले के अंदर चलकर देखना चाहिए। सोन बोलता है नहीं गुल्ली ऐसी गलती करने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे ये बंगला बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है और हो सकता है कि इसके अंदर और भी अजीब लोग हों। गुल्ली बोलता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सोन बोलता है इंतजार करो, बाबा लंगोटीलाल का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तभी उस बंगले के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता है गुल्ली कहीं ये चीखने चिल्लाने की आवाज बुल्ली की तो नहीं। सोन की बातें सुनकर गुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है। तभी वहाँ पर किसी की बाइक की आवाज आने लगती है। गुल्ली और सोन इधर उधर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है, और रॉड यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर रॉड अपने बाइक को उस बंगले के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। सोन बोलता है ये क्या, रॉड ने तो उस बंगले के बाहर अपनी बाइक को लाकर खड़ा कर दिया है, उसे शायद पता नहीं है कि उस बंगले के अंदर कितने भयानक भयानक लोग रहते हैं, अगर वो लोगों ने रॉड को देख लिया तो वो लोग तो रॉड को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। गुल्ली बोलता है हमें कुछ करना होगा जिससे कि रॉड यहाँ पर देखे और यहाँ पर आ जाए। और फिर गुल्ली और सोन झाड़ियों से निकलते हैं और रॉड को इशारा देने लगते हैं। लेकिन रॉड तो इधर देखने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी उस बंगले के अंदर से वही सरकटा हुआ आदमी निकलता है। गुल्ली और सोन जैसे ही उस आदमी को देखते हैं वो लोग फिर से झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। सोन बोलता गुल्ली कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया। गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता और वो छुपकर रॉड को देखने लगता है। अरे ये क्या, रॉड ने तो बहुत सारा पिज्जा का बॉक्स लाया है और ये तो उस आदमी को दे रहा है। लगता है कि रॉड उस आदमी को अच्छे से जानता है। और फिर वो आदमी पिज्जा का बॉक्स लेकर उस बंगले के अंदर चला जाता है। और एक बार फिर से गुल्ली और सोन झाड़ियों से निकलकर रॉड को इशारा देने लगते हैं। और रॉड जैसे ही गुल्ली और सोन को देखते हैं वो दौड़कर उनके पास चला जाता है। रॉड बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि ये इलाका कितना खतरनाक है। गुल्ली बोलता है रॉड तुम्हें कैसे पता चला कि ये इलाका खतरनाक है। रॉड बोलता है ये इलाका इसकी भी टॉयलेट का है और यहाँ पर अगर कोई भी इंसान दिख जाता है तो फिर वो इसकी भी टॉयलेट उसे अपने कब्जे में कर लेता है। सोन बोलता है वही टॉयलेट जैसा दिखने वाले इंसान ने बुल्ली को कब्जा कर लिया है। रॉड बोलता है ये क्या बोल रहे हो सोन, और आखिरकार बुल्ली है कहाँ। गुल्ली बोलता है जिस बंगले में तुमने पिज्जा पहुंचाया है उसी बंगले में ये लोगों ने बुल्ली को लेकर गए हैं। रॉड बोलता है तुम लोग को शायद पता नहीं है कि आज ये लोग इस बंगले में पार्टी कर रहे हैं और जरूर ये लोग बुल्ली को मारकर खा जाएंगे। गुल्ली बोलता है रॉड तो हम लोग बुल्ली को कैसे बचाएंगे। रॉड बोलता है तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर बुल्ली को देख कर आता हूँ। सोन बोलता है हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलते हैं। रॉड बोलता है नहीं गुल्ली और सोन, अगर तुम दोनों जाओगी तो वहाँ पर और भी मुसीबत बढ़ जाएगा, अगर उन लोगों ने तुम लोगों को देख लिया तो वो लोग तुम्हारा हाल भी बुल्ली के जैसा करेंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं ही जाकर देखता हूँ, तुम लोग यहीं पर मेरे आने का इंतजार करो। इतना बोलकर रॉड उस बंगले के अंदर जाने लगता है। और इधर गुल्ली और सोन झाड़ियों में बैठकर रॉड के आने का इंतजार करने लगते हैं। रॉड जैसे ही अंदर जाता है उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। रॉड बोलता है बुल्ली जरूर ऊपर ही होगा। और फिर वहां से रॉड सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर सारे लोग नाच गाना कर रहे हैं और यहाँ पर तो और भी मॉन्स्टर आए हुए हैं। सारे लोग तो उछल उछल कर डांस भी कर रहे हैं।
और इधर रॉड इन सभी का डांस छुप कर देख रहा है। रॉड इधर उधर देखता है लेकिन बुल्ली तो यहाँ पर है ही नहीं। रॉड बोलता है लगता है कि बुल्ली यहाँ पर नहीं है, ये लोग जरूर शायद बुल्ली को किसी और कमरे में छिपा कर रखे होंगे, मुझे किसी और कमरे में जाकर बुल्ली को ढूंढना होगा। और फिर रॉड एक एक करके सारी कमरे को चेक करने लगता है। तभी रॉड को एक कमरे के बाहर खून गिरा हुआ मिलता है। रॉड बोलता है इतना सारा खून, कहीं ये खून बुल्ली का तो नहीं, और ये खून का निशान तो सीधा इस कमरे के अंदर ही जा रहा है, लगता है कि बुल्ली इसी कमरे के अंदर है। और फिर रॉड दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला जाता है और रॉड को अंदर बुल्ली जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। रॉड बोलता है ये लोग तो बेचारे बुल्ली का बहुत बुरा हाल कर चुके हैं, मुझे बुल्ली को उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा। और फिर रॉड बुल्ली को अपने कंधे पर बैठाकर कमरे से बाहर जाने लगता है। और इधर गुल्ली और सॉन रॉड के आने का इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है सॉन इतना देर हो गया अभी तक रॉड आया नहीं है, कहीं रॉड किसी बड़े मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। सॉन बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे गुल्ली, अगर रॉड नहीं निकला तो हमें बाबा को बुलाना ही होगा। गुल्ली बोलता है छोटी मोटी बात पर बाबा को मत बुलाया करो, ये सब हम लोग ही हैंडल कर लेंगे। सॉन बोलता है गुल्ली तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये सब कोई आम आदमी नहीं है, देखा ना इन लोगों ने कैसे बुल्ली को अपने कब्जे में कर लिया है, अगर हम लोग अभी भी बाबा को नहीं बुलाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। गुल्ली बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो सॉन, अगर रॉड और बुल्ली इस बंगले से बाहर नहीं आए तो मैं इस बंगले के अंदर घुसकर उन दोनों को अकेले ही बाहर लेकर आऊंगा। सॉन बोलता है मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो रॉड। सॉन गुल्ली को काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुल्ली तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। और इधर स्क्रीबरी टॉयलेट और मॉन्स्टर रॉड और बुल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। स्क्रीबरी टॉयलेट का ऐसा गाना सुनकर रॉड उठता है और बोलता है कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। लगता है कि ये होश में नहीं है, अभी मैं इसके होश ठिकाने लगाता हूँ। मेरा मुंह निकल गया, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा, क्या कर रहा। रॉड के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर बुल्ली भी उठकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। चारों तरफ इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। बुल्ली बोलता है तुम लोग कौन हो और आखिरकार तुम लोग ने मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। स्क्रीबरी टॉयलेट बोलता है तुम लोग अब मेरे बस में हो और मैं तुम लोगों के साथ जो करना चाहता हूँ वो करूँगा। रॉड बोलता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि हम लोग किसके आदमी है, हम लोग बाबा लंगोटी लाल के आदमी है और अगर बाबा लंगोटी लाल को पता चल गया वो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। रॉड की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। स्क्रीबरी टॉयलेट बोलता है इन दोनों को भी हम लोग अपने जैसा ही बना देते हैं। और जैसे ही ये स्क्रीबरी टॉयलेट बोलता है सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती और फिर ये सारे लोग धीरे धीरे बुल्ली और रॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर गुल्ली और सॉन काफी देर से इस बंगले के बाहर खड़े हैं। गुल्ली बोलता है सॉन अगर तुम्हें इस बंगले के अंदर नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इसके अंदर जाकर बुल्ली और रॉड को बचाकर लेकर आऊंगा। सॉन बोलता है गुल्ली तुम ये बेवकूफी मत करो, अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम भी जिंदा लौट के बाहर नहीं आने वाले। गुल्ली बोलता है वो दोनों हमारे दोस्त हैं, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली उस बंगले की तरफ जाने लगता है। सॉन बोलता है रुको गुल्ली मैं भी आता हूँ और फिर सॉन भी गुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है। सॉन बोलता है गुल्ली रुको देखो कुछ आवाज आ रही है। गुल्ली वहीं पर रुककर आवाज को सुनने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली और रॉड भी स्क्रीबरी टॉयलेट बन चुके हैं और इन दोनों की आंखें तो काफी लाल भी है, लगता है कि ये खून के प्यासे बन चुके हैं। गुल्ली और रॉड इन लोगों को देख के तो उनकी होशी उड़ जाती है। मारो 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 सॉन, बुल्ली की बात सुनकर सारे लोग गुल्ली और सॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सॉन जोर से चिल्लाकर बोलता है गुल्ली अभी भी तुम मुंह क्या ताक रही, यहाँ से भागो। सॉन की बातें सुनकर गुल्ली वहाँ से भागने लगता है और सारे लोग गुल्ली और सॉन का पीछा करने लगते हैं। आ,
सोन बोलता गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो रॉड और बुल्ली भी इसी के जैसा बन चुके हैं। गुल्ली बोलता ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हम लोग को अपनी जान बचानी होगी। वो लोग आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और सारे लोग गुल्ली और सोन को खोजते हुए आगे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता सोन तुम बिल्कुल चुप रहना, ये लोग आसपास ही हैं, अगर ये लोगों ने हमारी आवाज सुन ली तो ये लोग हमें मार डालेंगे। सोन बोलता है बात की हम लोग बाद में देखेंगे, पहले वहाँ पर देखो एक मॉन्स्टर घूम रहा है, अगर इसने हमें देख लिया तो ये सारे लोगों को बुला ले आएगा। गुल्ली भी उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखने लगता है। सोन बोलता गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमारे सारे दोस्त उन लोगों के कब्जे में हैं, अब हम लोग उन लोगों की जान कैसे बचाएंगे। गुल्ली बोलता है बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, यही सही वक्त है बाबा को बुलाने के लिए, चलो जल्दी से हम लोग बाबा को बुला कर ले आते हैं, उसके बाद बाबा ही इन लोगों के ठिकाने लगाएंगे। और फिर गुल्ली और सोन जैसे ही बाबा को बुलाने जाने के लिए मुड़ते हैं तो वहीं पर एक मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली और सोन उस मॉन्स्टर को देखने के बाद तो उनकी होश ही उड़ जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे मुझसे? सोन बोलता है गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो ये सारे मॉन्स्टर को बुला कर ले आएगा। तभी गुल्ली के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ जाती है। गुल्ली बोलता है इसे मैं बुलाने दूंगा तब ना। गुल्ली की बात सुनकर तो सोन के चेहरे पर भी एक डरावनी स्माइल आ जाती है। सोन बोलता है तो हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं, चलो अपना काम शुरू करते हैं। और फिर सोन उस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ लेता है और गुल्ली उस पर घूसे की बरसात कर रहा। काहे लगे मार रहे भैया, छोड़ दीजिए भैया, काहे लगे मार रहे, छोड़ दीजिए। सोन बोलता गुल्ली तुम्हें जितना मारना उतना मार लो, उसके बाद तुम इसे पीछे से पकड़ना, उसके बाद मैं इसे मारूंगा। लेकिन गुल्ली इस मॉन्स्टर को इतना मारता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या, ये सारे मॉन्स्टर तो गुल्ली और सोन के बिल्कुल सामने खड़े हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर भी लिए हैं। सोन बोलता गुल्ली अब हम लोग भागेंगे कैसे, इन लोगों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है और साथ में गुल्ली और रॉड भी हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन गुल्ली सोन का कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि गुल्ली का डर के मारे बोलती बंद हो चुका है। और फिर सारे मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी अरे ये क्या, ये तो बाबा है और बाबा को देखने के बाद गुल्ली और सोन तो काफी ज्यादा खुश हैं। सोन बोलता है बाबा इन लोगों को छोड़िए मत, देखिए इन लोगों ने रॉड और बुल्ली का क्या हाल किया है और ये लोग अभी हम लोगों को भी मारने वाले थे, अच्छा हुआ कि आप आ गए। बाबा बोलते हैं अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, अब देखो मैं इन लोगों की कैसे तुड़ाई करता हूँ। बाबा की बात सुनकर सारे मॉन्स्टर हंसने लगते हैं। उसमें से एक मॉन्स्टर बोलता है ये बुड्ढा मुझे मारेगा, देखने में तो इतना छोटा लग रहा है और इस बुड्ढे में तो लगता है कि जान भी नहीं है, लगता है एक थप्पा मारेंगे तो यहीं पे गिर जाएगा। गुल्ली बोलता है अपना जवान संभाल के बोलो, ये हमारे बाबा लंगोटी लाल है, इन्होंने अच्छों अच्छों को धूल चटाया है, तो तुम किस खेत की मूली हो। मॉन्स्टर बोलता है कि बुड्ढे को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। मॉन्स्टर की बात सुनकर बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा बोलते तो ठीक है चलो दो दो हाथ कर ही लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और बाबा कितना बोलते ही वो मॉन्स्टर बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और बाबा भी उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ लगा देते हैं और मारपीट चालू हो जाता है। बाबा तो इस मॉन्स्टर को पागल कुत्ते की तरह मार रहे हैं। सोन बोलता है बस करिए बाबा नहीं तो ये मर जाएगा। और फिर बाबा उस मॉन्स्टर को उठाकर जमीन में गाड़ देते हैं। सारे मॉन्स्टर बाबा का ऐसा रूप देखकर पीछे हट जाते हैं। गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम लोग का क्या हुआ, हवा निकल गई, बाबा सर से लेकर पांव तक फौलाद है, एक बाप की औलाद है। सारे मॉन्स्टर तो पीछे हट चुके हैं लेकिन स्किपी टॉयलेट पीछे नहीं हटा है, लगता है कि स्किपी टॉयलेट कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर स्किपी टॉयलेट की दोनों आंखें लाल हो जाती है। Yes, yes, yes.
बाबा बोलते तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मनहूस जैसा गाना गाकर और अपनी आंखों को लाल करके मुझे डरा दोगी? तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब देखो मेरा स्ट्रीम मोड। और अब बाबा और स्कीबरी टॉयलेट दोनों अपनी स्ट्रीम मोड को ऑन कर चुके हैं। और फिर स्कीबरी टॉयलेट अपनी आंखों से लेजर बीम सीधा बाबा की तरफ फेंकता है। अरे ये क्या, बाबा तो स्कीबरी टॉयलेट के वार से बच चुके हैं। गुल्ली बोलता है तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन बाबा को कुछ नहीं होने वाला। एक बार फिर से स्कीबरी टॉयलेट अपनी आंखों से लेजर बीम बाबा की तरफ फेंकता है। लेकिन इस बार भी बाबा बच जाते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर ने तो पत्थर से बाबा का मारकर सर फोड़ दिया है। और बाबा फिर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा का ऐसा हाल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोन बोलता है लगता है कि इस बुढ़े का बुढ़ापे में शक्तियाँ कमजोर हो चुकी है। गुल्ली बोलता है सोन बाबा को छोड़ो, अब हम लोग को कौन बचाएगा। और फिर सारे लोग गुल्ली और सोन की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली और सोन अपने हाथों को जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन ये लोग तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। सारे लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो स्कीबरी टॉयलेट के सारे दुश्मन हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, तुम लोग को मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ, तुम लोग इन बच्चों पे अपना जोर क्यों दिखा रहे हो? अगर तुम्हें लड़ना है तो हमसे लड़ो, और तुम लोग ने तो इस बुढ़े को भी नहीं छोड़ा। देखो बेचारा कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन फिर सारे मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये लोग भी फायरिंग करना चालू कर देते हैं। और मरने के बाद रॉड और गुल्ली भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर बाबा भी उठकर खड़ा हो जाते हैं। गुल्ली बोलता क्या बाबा आप इन लोगों को नहीं मार पाए? और एक ही पत्थर पड़ने पर जमीन चट गए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था। बाबा बोलते हैं अभी तो मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था, मैं उठकर इन लोगों को मारने ही वाला था। बाबा की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।